हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम और अभी जो है करेक्ट एकदम 12 बज चुके हैं और मॉर्निंग वाला मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और अभी दोपहर का काम जो है मेरा शुरू होगा। अभी अब मेरे बच्चा जो है नहा चुका है, उसको फ्रूट्स वगैरह जो देना रहता है वो मैंने दे दिया है और जो है मॉर्निंग में जितना काम रहता है उतना काम मुझे आफ्टरनून में भी रहता है। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग जो है आफ्टरनून से शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं आफ्टरनून वाला अपना रूटीन। तो अभी जो है मैं एक बार नहा चुकी हूँ, लेकिन सेकेंड बार नहाऊँगी फिर से, क्योंकि इतना सारा काम करो ना, गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाती है तो नहाना पड़ जाता है। तो अभी मैं सबसे पहले थोड़ी सी जो है आज मैंने नाश्ते में, हाँ इस समय मेरी डाइट चल रही है, तो चाय पिया है मैंने और फ्रूट्स खाए हैं और अब मैं पीने जा रही हूँ दाल अरहर की, जो कि मैंने जो है बनाई है। तो थोड़ी सी दाल पीऊँगी और उसके बाद फिर जो है मेरा काम शुरू होगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ खाते पीते रहना है, एकदम से डाइट नहीं कर रही हूँ। तो ब्लॉग शुरू हो चुका है, ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। ये देखिए, वन सेकेंड लाइट ऑफ कर दूं पहले। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और ब्लॉग फुल वॉच करिएगा। तो चलिए फटाफट ये ख़त्म करती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर मेरा शुरू हो चुका है फिर से काम, वही मॉर्निंग वाला। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े से बर्तन है। शादी के बाद ना ये सब काम, क्या सोचा था क्या हो जाता है, क्या सोचो क्या हो जाता है। हाउसवाइफ की लाइफ, शादी के बाद की लाइफ सब एक ही जैसी है। तो शादी के बाद की लाइफ आप लोग देख लीजिए, मेरी ऐसी ही है। अभी धुल रही हूँ बर्तन, अभी तक अपने बेटे का सारा काम किया और अब जो है घर का काम कर रही हूँ। मेरा काम क्या होता है मुझे खुद नहीं पता, जहाँ तक कि मेरा कोई काम ही नहीं होता है, बस खा लेती हूँ, शायद यही काम रहता है बना के खाना। तो यहाँ पर झाड़ू लग चुका है और पोछा लग चुका है, मॉर्निंग में ही झाड़ू लगाऊंगी, पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी, एक ही बार दिन भर में लगाती हूँ पोछा। तो बस शादी के बाद कितना कुछ चेंज हो जाता है ना, और शादी के पहले ये रहता है घर में, आप कोई काम करो या ना करो कोई बात नहीं, मम्मी रहती हैं वो अपना देख लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं, और शादी के बाद सब कुछ आपके ऊपर आ जाता है। तो जितना मायके में आराम से बैठकर खाओ ना, उतना ससुराल में पूरा निकल जाता है काम काम काम। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, डबल काम हो जाता है। अभी कोई और होता घर में ना, एक लोग बच्चे को देखने वाला, तो मुझे इतना काम ना पड़ता जितना पड़ जाता है इस टाइम पर, क्योंकि जो है अभी कोई मेरे बच्चे को देखने वाला होता ना तो पूरा काम एक साथ में निपट जाता, लेकिन उसको देखना, मुझे ही देखना है, मुझे काम भी करना है, तो इसमें से ना पूरा दिन लग जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, प्रॉब्लम मतलब कि मुझे थकान हो जाती है, और कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ मतलब तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, भगवान करे ऐसा कुछ हो भी ना। बहुत ज़्यादा काम करते करते ना हालत ख़राब हो जाती है, मुझे आराम नहीं मिलता बिल्कुल भी, मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है। और हाँ, एक बार मैं कपड़े धुल चुकी हूँ, ये सेकेंड टाइम का कपड़ा है, जो कि थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ है पतिदेव का है। और मॉर्निंग में मैं 5 ही बजे उठ जाती हूँ, तो जितना कपड़ा रहता है वो सब मैं धुलकर फैला देती हूँ, और ये दूसरी बार का कपड़ा है, जब दूसरी बार मैं झाड़ू लगा सकती हूँ तो दूसरी बार कपड़ा भी धुल सकती हूँ। तो हकीकत शादी के बाद मेरी लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और हाँ काम के लिए ही नहीं, बहुत चीज़ों में चेंज हो चुकी है सब चीज़। कुछ बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, और भगवान से दुआ है कि सब कुछ अच्छा ही रहे हमेशा। बस काम में तो घर का काम है, सबके लिए होता है, मेरे लिए भी है, सब लोग करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, मेरा मन है करूँ ना करूँ, लेकिन जो है अब आप लोग के साथ जुड़ गई हूँ तो आप लोग से बातें भी कर लेती हूँ, आप लोग के साथ अपना काम भी शेयर कर लेती हूँ, तो इसमें और भी मेरा सारा काम फटाफट हो जाता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। और ये देखिए मेरा फटाफट कपड़ा धुल गया, अब यहाँ पर वाइपर कर दूँगी और फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद नहाना तो बनता ही है।
अभी अभी मैं नहा कर आ रही हूँ। मेरा काम ख़त्म होने को, मतलब काम ख़त्म हो गया, मैंने नहा लिया, अब मैं आराम ना करूँ थोड़ा सा भी, और इसको देख के उठकर तैयार है ये। बोल दो। तो अभी जो है मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, और मैंने सोचा थोड़ा सा लेट जाऊँ, आराम कर लूँ, उसके बाद फिर सब्जी वगैरह कट करनी है। तो लेकिन ये उठकर तैयार है तो मुझे आराम तो करने देगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं जा रही हूँ, लेटूंगी और फिर मुझे सब्जी कट करनी है। आज जो है देखते हैं क्या बनेगा, पता नहीं, कट वट हुई रहेगी ना तो जल्दी से बन जाएगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा लेटूंगी, और देखिए नींद नहीं पूरी हुई है, दोनों आइस मेरी कैसी हो गई है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से बाद में। इनको भी नींद नहीं आ रही है, ये देखिए। बहुत तेज छींक आ गई। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ा सा आराम करने के बाद। तो मैंने कहा था आप लोगों से मैं मिलूँगी शाम को, लेकिन मैं शाम को नहीं मिल पाई, मैं मिल रही हूँ डिनर के टाइम। मैं थोड़ा लंबा सो गई थी क्योंकि मेरा बच्चा भी सो रहा था, तो मैं भी सो गई। उसको एक बार वो उठा था, उसके बाद फिर सो गया, तो मुझे भी नींद आ गई, मैं भी सो गई। थोड़ी सी ना आप लोग को आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आएगी क्योंकि ट्रेन खड़ी है और कम से कम ये 2 घंटे खड़ी रहने वाली है। तो अगर मैं एडिटिंग नहीं करूँगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ 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 आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए जैसे मैं करती हूँ। और यहाँ पर मैं एडिटिंग कर रही थी, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि ट्रेन खड़ी है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन ये एडजस्ट कराने वाला उठ गया, बच्चा सो रहा था और ये उठ गया, ये मुझे एडिटिंग करने नहीं देता है ना। बोलो, बोल दो कुछ, सब लोग जान जाए तुम उठ गए हो, नहीं बोलना, बोल दो कुछ बेटा, बोलो कुछ, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो ये अभी सोकर उठ रहा है, और चलिए अब मैं इसको दूध वगैरह दे देती हूँ, एडिटिंग बाद में करूँगी। तो यहाँ पर डिनर में मैं बना रही हूँ, मैंने दाल चढ़ाया है, टॉफी मिल गई हाँ। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ाया है, उसी में मैंने आलू डाला हुआ है, तो आलू का चोखा, दाल और रोटी बनेगी सिंपल सा। और पतिदेव अगर चावल खाने के लिए कहेंगे तो उनके लिए मैं चावल बना दूँगी बाद में। तो बस चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बोलोगे बोलोगे, लो बोलो, बोल दो, बोल दो बेटा कुछ। तो ये अपनी मम्मा को देख रहा है काम करते हुए, अरे फ़ोन मत छीनो मेरे बच्चा, फ़ोन मत छीनो मेरे बेटे। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ रोटी फ्रेंड्स, और चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। और प्लीज़ 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 अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। मैं देख रही हूँ आप लोग मुझे ही नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोगों को आप, ओ बेटा क्या बच्चे, देख लीजिए आप लोग कितना मुश्किल होता है वीडियो बनाना, वीडियो बनाना ही नहीं एडिटिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। या तो मैं अपने बच्चे को देखूं, हाँ ये डकार आ रही है, इसको डकार आ रही है इसका, हाँ है, बोल लो कुछ, नहीं बोलना, नहीं बोलना है, अभी कहाँ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं दूध वगैरह दे देती हूँ, और यही थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बन रही है मेरी रोटी, तो बस प्लीज़ सपोर्ट करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा उलझन होती है, मन नहीं करता ब्लॉग वगैरह बनाने का, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए बाय बाय, बहुत सारी बक बक कर ली मैंने, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड्स।